हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ बेसिकली आज हमको तीन टॉपिक कवर करने हैं ओके आज इस वीडियो में। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सेकंड है लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों टॉपिक से एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के ओके। आपको पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा किसी की इन तीनों में से, या फिर किसी की मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लेगा एंड या फिर किसी की SI यूनिट पूछ लेगा। तो हमको इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं ओके अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली पर यूनिट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बी, अगर एक सर एक लेट से कि हमने एक फिगर ले ली, एक सॉरी एक स्पेयर ले लिया, स्पेयर के सरफेस पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली एक सामान्य चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, ठीक है। एंड पर यूनिट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका लेट से कि हमने थोड़े से चार्ज कंसिडर करिए, थोड़ा सा सरफेस कंसिडर किया इसका, ठीक है, इसको बोल देंगे हम DS। एंड थोड़ी सी लेंथ होगी इसकी, तो इसको थोड़ी लेंथ नहीं, इसकी DS सरफेस कंसिडर किया ना हमने, तो इसमें चार्ज भी है थोड़ी से सरफेस में, इसमें थोड़े से चार्ज होगी, तो उसको बोल देंगे D क्या हो ओके। तो इन दोनों के रेशियो को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अभी इससे हम निकाल सकते हैं, बाद में हम इंटीग्रेशन करके फुल का वो निकाल सकते हैं भी कितने चार्ज है किसी सरफेस पे, ठीक है, बट पहले हमको थोड़ा सा कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस, इन दोनों का रेशियो है। डी क्यू मीन्स थोड़े से चार्ज, लेट से कि हमने थोड़े से चार्ज कंसिडर किए थे, यहाँ पे थोड़े से चार्ज है, ठीक है। एंड डी एस का मतलब होता है सरफेस, थोड़ा सा सरफेस। अगर जो हमको पूरे का निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देगा तो पूरे का निकल जाएगा ओके। तो इसकी SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट होती है कूलम मीटर माइनस टू, ठीक है, कूलम ये मीटर माइनस टू होता है। फॉर अरे आपको हर एक वीडियो में कूलम जो है कैपिटल लेना है, बहुत बड़ा, मतलब कि ये 70 मीटर लग, अगर जो आपने छोटा सा सी ले लिया आपने तो 70 मीटर लगेगा आपको, ठीक है, किसी को भी एग्जाम चेक करेगा जो सा भी तो उसको 70 मीटर लगेगा, इसलिए कूलम को कैपिटल लेना है थोड़ा बड़ा। एंड सेकेंड टॉपिक इज, अगर इसमें कोई डाउट है तो बता देना मेरे को, अगर मैं अदरवाइज मैं सेकेंड में क्लियर हो जाएगा आपको और भी अच्छे से, सेम ऐसी वो टॉपिक है ये अगला भी। अगला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस से डिनोट किया जाता है, लैम्डा से। तो डेफिनेशन में देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर से ही पता लग रहा है लेंथ के ऊपर ही होगा, ठीक है। लेट्स से कि हमने कंसिडर किया, सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वायर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एक लेंथ के हर एक लेंथ के साथ चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पे। लेट्स से कि हमने थोड़ी सी वायर कंसिडर कर ली यहाँ पे, ठीक है, इस थोड़ी सी वायर की लेंथ होगी DL एंड इसके चार्ज होगी डी क्यू, थोड़े से चार्ज है ना, तो थोड़े से चार्ज भी कंसिडर किए, इन दोनों के रेशियो की ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा से डिनोट किया जाता है इसको, मैथमेटिकली लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, थोड़े से चार्ज अपॉन थोड़ी सी लेंथ, क्योंकि चार्ज अपॉन रेशियो है ना, तो डी क्यू अपॉन डी एल है ना, तो चार्ज इन दोनों का पर यूनिट हो गया लेंथ, ठीक है, लेंथ के पर यूनिट हो गया, ये थोड़ी सी लेंथ होगी और थोड़े से चार्ज होगी इन दोनों के, ठीक है, फिगर 02 में दिखाया गया आपको, शो कर लिया है। SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट, ये यूनिट होती है कूलम मीटर माइनस वन, ठीक है, कूलम मीटर इनवर्स। एंड थर्ड टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन में देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम ही बोलेगा ना, तो वॉल्यूम से ही आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम, किसी की वॉल्यूम पे कितने चार्ज हैं, किसी की लेट से कि हमारे पास कोई चीज़ है, कोई भी
कर दो, आप कंसीडर कर लो ठीक है, उसकी वॉल्यूम पे कितने चार्ज है, वॉल्यूम में कितने चार्ज है उसकी, वो निकालने के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसका रो से डिनोट किया जाता है इसको ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, थोड़े से चार्ज, क्योंकि हम किसी की भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम पे काटेंगे निकालेंगे थोड़ी सी हम, तो डी क्या हुआ है, तो थोड़े से चार्ज कंसिडर करेंगे हम, थोड़ा सा सरफेस मतलब कि थोड़ी सी वॉल्यूम कंसिडर करेंगे उस पर, कितनी वॉल्यूम है ठीक है उसकी, टोटल वॉल्यूम टोटल निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम मीटर माइनस टू, ठीक माइनस थ्री, ओके ये माइनस थ्री है, कूलम मीटर माइनस थ्री। तो ये तीन टॉपिक थे आज के बहुत इजी से, अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है कोई कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो अगर जो इस वीडियो